एक से दो दिन का एक इंटरडे कॉल देना चाहूंगा। जी बताइए सर, इस बीच मूवमेंट आ रहा है निफ्टी में, और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि निफ्टी का चार्ट काइंडली आप ओपन कर लीजिए, 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट में सर 17,700 से ऑलमोस्ट सर 16,970 के आसपास लो दिया। हाँ, 78 आज का लो है, डे लो 9/78 पे। तो कभी भी अपना 15 मिनट का जो कैंडल है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। तो अभी निफ्टी में लोअर साइड से एक मोमेंटम आ रहा है, और ये जो पैटर्न बना रहा है, इस पैटर्न आई थिंक प्रोबेबिलिटी है कल मॉर्निंग पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर आ जाए, एक शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट कवरिंग मूव देने का प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे लगता है इसका जो कैलकुलेशन करके मेरे पास आ रहा है 17,150, अगर आज 17,150 के ऊपर निफ्टी 2 आवर्स ऑलमोस्ट 2 घंटा भी ट्रेड किया ना, अभी हो सकता है कि सर 17,120 चल रहा है, बात करते करते शो खत्म होते होते 17,150 आ जाए, लेकिन नहीं, 2 घंटा मेरा स्ट्रैटेजी सर हुई है, अगर 2 घंटा 17,150 के ऊपर ट्रेड किया तो हाईली प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,250 एंड 17,300 तक जाने का हाईली, मतलब यहाँ से फ्रेश मैं 200 पॉइंट 200-250 पॉइंट अपसाइड मोमेंटम देखता हूँ। बिकॉज सर अभी ओवरसोल्ड हो गया, इतना भी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाने का कोई जरूरत नहीं होगा मार्केट में कि मार्केट 17,800 से 17,000 आ गया, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का गैप है यहाँ पे। तो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि सर यहाँ पे हमको सर 200-300 पॉइंट एक अपसाइड मोमेंटम मिलेगा, लेकिन वो भी सर हमको प्रॉपर एनालिसिस करके लेना है। तो अकॉर्डिंग टू माय डेटा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सर 17,150 में एक रेजिस्टेंट है, जैसे ही 17,150 के ऊपर 2 घंटा ट्रेड करेगा मैं एंट्री लूंगा यहाँ पे, 2 घंटा मिनिमम 1.5 घंटा ट्रेड होना चाहिए। 15 मिनट्स का कैंडल जो व्यूअर से आप यूज करके देख सकते हो, 15 मिनट्स का कैंडल्स के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आएगा आप यहाँ पे एंट्री लीजिए, व्यू रहेगा 1 से 2 दिन और पॉइंट रहेगा मेरा मिनिमम 200 पॉइंट। ठीक है, तो ये है निफ्टी में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की मिल रही है, कैसे करना है, किन लेवल्स का ध्यान रखना वो जरूर देखिएगा, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी होगा, ये थोड़े ये सारी चीजें जो है बिना डिसिप्लिन के बहुत रिस्की हो सकती है।